हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी चैनल ट्रैवल बीके 09 में। अभी चल रही है गुजरात टूरिज्म सीरीज़ और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टॉप टूरिस्ट प्लेस टू विजिट इन जामनगर। जामनगर में घूमने लायक शीर्ष पर्यटन स्थल तो नंबर एक पर है श्री बाला हनुमान संकीर्तन मंदिर। लखोड़ा झील के पास बाला हनुमान मंदिर एक शांतिपूर्ण और शांतिदायक स्थान है। यहाँ के लोग लगातार रामधुन गाते हैं और ये ऐसा पिछले 60 सालों से अधिक समय से करते आ रहे हैं। पूरा मंदिर अत्यंत आध्यात्मिक और सुखदायक लगता है। यह ध्यान करने या केवल आराम करने के और सकारात्मक तरंगों का आनंद लेने के लिए एक अद्भुत स्थान है। यहाँ की यात्रा सचमुच ताजगी देने वाली है। नंबर दो पर लखोटा महल एवं संग्रहालय, एक अच्छा संग्रहालय जो जामनगर शहर की विरासत को प्रदर्शित करता है। संशोधन और नवीनीकरण उत्कृष्ट रूप से किया गया है जिसने पूरी संरचना को बरकरार रखा है। साथ ही यह झील इसे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक अद्भुत स्थान बनाती है। इसके अलावा यहाँ एक वॉकिंग ट्रैक भी है जहाँ लोग चल सकते हैं और व्यायाम कर सकते हैं। सुबह के समय आपको कोई प्रवासी पक्षी मिल सकते हैं, इसलिए पक्षियों को कैद करने के लिए अपना कैमरा साथ ले जाए। झील के पास बच्चों के लिए कई भोजन स्थल और मनोरंजक गतिविधियाँ भी है। कुल मिलाकर यह बैठने, आराम करने और दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। नंबर तीन, लखोटा झील उत्कृष्ट स्थान अवश्य देखने योग्य है। लेजर शो अद्भुत है और इसे छोड़ना नहीं चाहिए। झील भी सुंदर है। संग्रहालयों का अच्छी तरह से रखरखाव किया गया है। कृपया घूमने के लिए समय निकालें। लखोटा झील शहर के मध्य में एक अच्छी जगह है जहां आप अपनी शाम में बिता सकते हैं। नंबर चार, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह जामनगर में स्थित एक खूबसूरत जगह है। सुबह सुबह अवश्य जाएं, आपको यहाँ सूर्योदय देखने बहुत पसंद आएगा। आप सुबह के समय अधिक पक्षी देख सकते हैं। खिजड़िया में कई तरह के पक्षी हैं, उनमें से अधिकांश पेलिकन है। नंबर पाँच, रणमल झील पार्क। मुझे यह जगह बहुत पसंद है। इसमें हर तरह की चीज़ें हैं जो आपके मन और आत्मा को आराम देगी। इसमें प्रकृति, हरियाली, पानी, धीमा संगीत, झील, परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए साफ जगह। शाम के समय बाहर चौपाटी, बाहर महान मंदिर जहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है। चौपाटी में भोजन की गुणवत्ता है। यदि आप जामनगर गुजरात में हैं तो आपको एक बार अवश्य जाना चाहिए। नंबर छः पर है आदिनाथ जैन मंदिर। जामनगर में आदिनाथ जैन मंदिर अच्छी तरह से बनाया है और परिवार के साथ यात्रा करने के लिए सुंदर स्थान है। मैंने दोस्तों के साथ दौरा किया है। शांतिपूर्ण जगह, शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित यह अद्भुत मंदिर आपकी सांसें रोक देगा। 3600 सीढ़ियाँ चढ़ने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। सीढ़ियाँ अच्छी तरह से रखी गई है और चढ़ना मुश्किल नहीं है। आंतरिक शांति के लिए मंदिर अवश्य जाए। नंबर सात, श्री हलार तीर्थ आराधना धाम जैन मंदिर। अद्भुत वास्तुकला के साथ अद्भुत जगह, अवश्य जाए। यह खंबालिया जामनगर राजमार्ग पर स्थित है। भोजनालय के समय अनुसार भोजन की सुविधा उपलब्ध है। परिसर हरा भरा और फोटोजेनिक है। वहाँ एक प्रदर्शनी भी है जिसे कुछ न्यूनतम धनराशि देकर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर मुझे यह जगह बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा अनुभव। मैं हर किसी को ऐसी खूबसूरत जगह पर जाने की सलाह दूंगा। ये मन को शांति देने वाली जगह है। साथ ही मंदिर का डिज़ाइन निर्माण अलग स्तर का है। नंबर आठ पर आता है भुजो कोठो। भुजो कोठो का निर्माण महाराजा जाम रणमल जी द्वितीय द्वारा 1852 में लखोड़ा झील के तट पर एक राहत संरचना के रूप में किया गया था। यह 34 मीटर ऊंचाई वाली 7 मंजिला गोलाकार संरचना है। अतीत में इसका उपयोग मुख्य रूप से शस्त्रागार, भंडारण और एक वॉच टावर के लिए किया जाता था। पहली मंजिल पर छोटी छोटी खिड़कियां हैं, अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा करती है। बंदूकें रखी हुई थी। ऊपरी मंजिल पर एक विशाल पानी की टंकी के अवशेष है जिसका उपयोग किले में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता था। और कोठो शीर्ष में जामनगर शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। भुजो कोठो में एक कुआ है जिससे फर्श के एक छेद में फूंक मारने पर पानी निकलता है। कोठो के बंदूकों, तलवारों और युद्ध के अन्य हथियारों सहित शस्त्रागार वस्तु का एक बड़ा संग्रह भी रखा गया है। यह संरचना ओथोडोंगो निर्माण तकनीक के साथ चूने की चिनाई से बनी है। नंबर नौ पर है पीरोतन द्वीप। नवानगर नेचर क्लब इस एक दिवसीय दौरे का आयोजन करता है। न्यू बेदी बंदरगाह पर रिपोर्टिंग का समय सुबह 5 बजे का था। इसके बाद 1.5 घंटे की एक तरफा नाव यात्रा होती है। इस द्वीप में अच्छे मैंग्रोव कवर और अच्छा समुद्री जीवन है। यह द्वीप जामनगर समुद्री राष्ट्र का हिस्सा है। पार्क इसलिए अकेले यात्रा की व्यवस्था करना मुश्किल होगी क्योंकि इसके लिए वन विभाग, पुलिस, कस्टम आदि से अनुमति लेनी होगी। ज्वार के कारण समुद्र का पानी कम होने के बाद हमें समुद्री जीवन का निरीक्षण करने के लिए उथले समुद्र में ले जाया गया और कुछ प्रजातियों को दिखाया गया। यह बहुत अच्छा अनुभव था। हम रात 8 बजे वापस आ गए। और हाँ, कृपया द्वीप पर कोई भी प्लास्टिक सामग्री न फैलाएं, इसे प्राकृतिक ही रहने दें। मूंगे पर न चले और ना ही उसे नुकसान पहुंचाए। इसका निर्माण में दशकों लग जाते हैं। तो
तो ये थे जामनगर में घूमने के लिए टोच के पर्यटन स्थल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।